Hello everyone, my name is Megha Goel and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते. कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखेगा. हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है. हिंदू धर्म में तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी का बहुत महत्व है. इस साल 15 नवंबर को यह पर्व धूमधाम से हम सब मनाएंगे. इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी के साथ कराया जाता है. जो लोग शालिग्राम और तुलसी का विवाह पूरे विधि विधान के साथ करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है. इस पावन पर्व के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं जिनका पालन करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिल जाता है. वहीं अगर किसी की शादीशुदा जिंदगी में कष्ट हो तो उनसे छुटकारा भी मिल जाता है. इसके अलावा जीवन में आने वाली मुसीबतों से भी छुटकारा मिल जाता है. अगर आप भी तुलसी विवाह के पावन पर्व पर अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ इनको जरूर जरूर आप करिएगा. तो आइए शुरुआत करते हैं. अगर आप में से किसी को वैवाहिक जीवन में लगातार लड़ाई झगड़ा का सामना करना पड़ता है या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन हमको हमेशा अपने जीवन में उस शादी को बरकरार रखने के लिए, उस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए उपाय करते रहने चाहिए, तो आपको क्या करना है, तुलसी विवाह से एक दिन पहले यानी कि 14 नवंबर को आपको एक पानी का लोटा लेना है. उस पानी के लोटे में आप थोड़ी सी तुलसा जी तोड़ेंगे और उस पानी के लोटे में आप उस तुलसा जी को डालकर मंदिर में रख देंगे. अगले दिन आप जब स्नान कर लेंगे सुबह उठकर, सबसे पहले आपको उस लोटे के जल के पानी को आपको अपने पूरे घर में छिड़कना है. आपको हर परिवार वाले अपने परिवार वालों पे उस पानी को छिड़कना है, अपने पति पे इस पानी को छिड़कना है, अपने आप पे इस पानी को छिड़कना है. उसके बाद जो ये पानी है उसको आपको अपने मुख्य द्वार पर दोनों तरफ इस पानी को चढ़ा देना है. और जो जो तुलसा जी उस पानी के अंदर होगी आप या तो अपने जितने परिवारजन आपके घर में रहते हैं उतनी तुलसा जी के पत्तों को तोड़कर आप पानी में डाल दें या फिर आप सिर्फ दो तुलसा जी के पत्ते तोड़कर उस पानी के लोटे में डाल दें, एक पत्ता आपके लिए और एक पत्ता आपके हस्बैंड के लिए. उसके बाद जब आप ये पानी दोनों मुख्य द्वार पर चढ़ा देंगे उन तुलसा जी के पत्तों को आप अपने परिवार वालों को दें खाने के लिए. ध्यान रखें तुलसा जी जब हम खाते हैं हम उस पर दांत नहीं लगाते हैं, सीधा हम उसको चूस कर निगल लेते हैं. दूसरा उपाय आपको क्या करना है, अपने दंपत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको तुलसी विवाह वाले दिन माँ तुलसी को लाल चुनरी पहनानी है. आपको उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाना है और उनके सामने घी का दिया लगाना है. उसके बाद आपको शाम के वक्त ये सारा सामान जो आपने चुनरी चढ़ाई, चूड़ियाँ चढ़ाई, श्रृंगार का सामान चढ़ाया, सिंदूर चढ़ाया, ये आपको किसी सुहागन स्त्री को दान में दे देना है. इससे आपकी सभी परेशानियाँ दूर होंगी, आपके दाम्पत्य जीवन में प्यार आएगा, सुख समृद्धि आएगी और माँ तुलसा का आशीर्वाद आपके रिश्ते पे बना रहेगा. अब बात करते हैं उन कन्याओं की जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनकी शादी होने में दिक्कत हो रही है या अड़चन आ रही है या देरी हो रही है, या उन कन्याओं को जिनको अपना मनचाहा वर नहीं मिल रहा है, तो उन्हें तुलसी की पूजा के दिन ये उपाय जरूर करना है. उनको तुलसी विवाह वाले दिन माता तुलसी को एक लाल रंग की चुनरी चढ़ानी है और माँ के सामने आपको घी का दिया जलाना है. उसके बाद आप माँ तुलसी कि ये जो चुन्नी आपने माँ तुलसी पर चढ़ाई थी उस तुलसी को आप अपने पास रख लेंगे. जब भी आप किसी लड़के से मिलने जा रहे हैं तो उस तुलसी को आप अपने पर्स पे अपने साथ कैरी कर सकते हैं, अपने साथ उस तुलसी को आप कैरी करिएगा. इससे आपको आपके शादी में आ रही अड़चन जो है वो दूर होगी, आपका रिश्ता जो है वो पक्का होगा, आपको आपका मन चाहा वर भी मिलेगा. साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको एक उपाय और करना है, आपको 7 साबुत हल्दी की गांठ लेनी है, थोड़ा सा केसर लेना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है और थोड़ी सी
चने की दाल लेनी है। इन सारी सामग्री को आपको पीले कपड़े में बांध लेना है। इसके बाद आपको जाना है मंदिर, और मंदिर में जाकर आपको ये पोटली भगवान विष्णु को अर्पण करनी है और उनके सामने घी का दीपक जलाना है और उनसे आपको अपनी इच्छा जाहिर करनी है कि आपकी जो मनोकामना है शादी को लेकर, या जो भी अर्चन आपको आपकी शादी में आ रही है, आपको विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है कि उस अर्चन को दूर करें, उस बाधा को दूर करें और आपको आपके मन चाहा वर आपको आपके जीवन में ज़रूर देखें दें। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका बहुत अच्छी जगह जो है आपके मन चाहे वर के साथ, पार्टनर के साथ रिश्ता पक्का हो गया। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। माई नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।